नहीं चाहता हूँ कि मैं कितना अमीर हूँ कितना रिच हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ जी बिल्कुल नहीं है इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ प्रेरणा देना चाहता हूँ मेरी कहानी से और जो कि मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया क्योंकि ना मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैंने साइंस किया हूँ ग्रेजुएशन उसके बाद एज ए रोज का एज ए साइट सुपरवाइज़र का काम करते चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता पर काम काम ही होता है और वहाँ से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया उसके बाद मैंने घर आ गया और मुझे कंप्यूटर सीखना था मैंने कंप्यूटर सीखा और तकरीबन तीन महीने के बाद फिर से मैंने सोचा कि नहीं इसमें भी काम नहीं बनता है मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है और दो अठारह में मैं चला गया बेंगलुरु और तभी मेरा रियल स्ट्रगल शुरू हुआ ज़िंदगी में तो 2018 में मैंने ज्वाइन किया कॉल सेंटर में बेंगलोर में और मैं एक बात बताऊँ मतलब कि मैं जिसके साथ गया था बेंगलुरु शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके साथ रहूं तो एक दिन मतलब कि तुरंत आगे बीस मार्च अप्रैल से मैंने या ये शुरू कर दिया था इक्कीस में तो एक दूसरा लॉकडाउन था और ये जो एक डेढ़ साल के अंदर मैंने खुद को इतना ट्रेन किया इतना ट्रेन किया तो बहुत सारी चीज़ें सीख गया इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले और मैंने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया चीज़ें बहुत आसान रहा मेरे लिए सीखने के लिए जानने के लिए या फिर करने के लिए पढ़ने के लिए और कॉल सेंटर में काम सुबह नौ बजे शाम की नौ बजे तक या फिर मानो कि आठ बजे तक उसके बाद रियल स्ट्रगल यानी कि साढ़े नौ बजे से लेके आके खाना पीना खा के रेडी होकर फिर से पढ़ना रात की बारह बजे तक या फिर साढ़े ग्यारह या फिर कभी कभी साढ़े बारह एक भी बज जाता था, था पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा मैंने कोशिश किया कोशिश किया कोशिश किया आखिरकार दो हज़ार इक्कीस ना सॉरी दो हज़ार बाईस जनवरी में मैंने काम छोड़ दिया यानी कि इस साल जनवरी में मैंने कम्प्लीटली काम छोड़ दिया मुझे ये करना था कि मुझे कॉल सेंटर में काम नहीं करना था अगर कुछ करना था कुछ आईफोन तो बहुत छोटा सा फ़ोन है पर इसके लिए जो मेहनत लगता है या फिर इसके लिए जो जुनून चाहिए वो आप सबके पास होना चाहिए मैं नहीं कहता हूँ कि आईफोन ख़रीदना एक बड़ा बात है या फिर जैसे कि इतिहास में आपके नाम को लिख लेंगे या फिर इतिहास में आपको जाना जाएगा जी ऐसा बिल्कुल नहीं है पर एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा कि जब आप मिडिल क्लास में पैदा होते हैं मिडिल क्लास में ग्रो करते हैं और जब आपके पास किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं होता है फिर भी आपने कुछ कर दिखाते हैं दूसरों को नहीं दुनिया के लिए नहीं कोई दूसरे लोग के लिए नहीं आपकी प्रेमिका के लिए नहीं या फिर कोई दूसरी चीज़ के लिए बस खुद के लिए आप करके दिखाते हैं आईफोन खरीद के वो सबसे बड़ी बात होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बोलते हैं ना इट्स नॉट द डेस्टिनी बट ऑलवेज द वे टू डेस्टिनी मेक हम परफेक्ट एंड ऑलवेज इम्पॉर्टेंट सो मेरे लिए भी वही है चाहे चौदह महीना मैंने कैसे काटा चौदह महीना मुझे किस तरह का सेविंग्स करना था किस तरह का प्लान बनाना था मुझे इस तरह का एक आईफोन खरीदने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये कठिन नहीं है पर ये बहुत कठिन है आपको बहुत डिसिप्लिन लेना पड़ेगा स्पेशली फाइनेंशियल एंड मेंटली आपको कहीं पे काट के रखना पड़ेगा आपको वो करके रखना पड़ेगा वो करके रखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं जितना ज़रूरी है चीज़ें मैंने वही वही किया उसके साथ साथ मुझे लग रहा था कि मेरे और भी काफ़ी सारे सेविंग्स हो रहा है जो कि मैं रख सकता हूँ कर सकता हूँ तो मैंने रखा और आज मेरे हाथ में एक आईफोन है जो कि बहुत प्यारा सा है बहुत प्यारा सा तो दोस्तों मैं आखिर में यही कहूँगा बहुत मेहनत कीजिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप जो चीज़ करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में उसको दिमाग में रखिए क्योंकि ऐसा समय आएगा कि आपको भी रियलाइज़ होगा कि मैंने अच्छा किया था ये सोच के ये करने के लिए जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार मैंने सोचा था ऐसा करने के लिए आज हो गया तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक बात आप चाहे मिडिल क्लास में हो या फिर रिच क्लास में हो या फिर बिना भी क्लास में हो अगर मेहनत अगर जुनून है आपके अंदर करने के लिए किसी भी प्रकार का चीज़ आप करेंगे अरे जुनून को पारने और ये जुनून कैसे आएगा आपके अंदर कि आपकी इंटरेस्ट अगर किसी भी चीज़ पे आपकी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर करेंगे वो चीज़ जैसे कि बचपन में बहुत धूप में हम खेला करते थे शाम तक इनफैक्ट शाम तक इनफैक्ट हमको हम खेला करते थे ना मम्मी का ना पापा का ना फिर धूप का ना फिर बारिश का परवा था हमको तो सिर्फ खेल का ही परवा था इस तरह का अगर एक चीज़ को पागल के तरह आप चाहते हैं पाने के लिए तो वो चीज़ डेफिनेटली सक्सेस होगा और आखिर में ये कहूँगा कि हमेशा आप आपकी पेरेंट्स को और उनकी पेरेंट्स की बातों की को ध्यान दीजिए क्योंकि ना आपको पता नहीं एक बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट्स के कितने सारे डेडिकेशन या फिर कितने सारे हाथ होता है उनको बड़ा करने के लिए हालांकि पेरेंट्स का ओपिनियन बहुत अच्छे होते हैं या फिर डिफरेंट होते है ऐट द सेम टाइम आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कभी आप भी पेरेंट्स बनेंगे आप, आपकी बच्चों को क्या सिखाएंगे एज ए पेरेंट्स तो वही चीज़ आपको आपकी पेरेंट्स से सीखना है तो दोस्तों आज ये वीडियो डेडिकेटेड था आपके लिए और जो कि मैं मेरी एक्सपीरियंस से कुछ शेयर किया आपके साथ मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना सॉरी अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग